गाइस, मैं वापस से अपने किचन में आ गई हूँ, प्रस्थान कर गई हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब्जी कट करके रख ली है, आटा मैंने गूंद लिया है और कद्दू चॉप कर लिया है धो के अच्छे से। और इधर चना दाल भी मैंने फुलाया था कि कद्दू चना दाल बनाऊंगी, बट 1 घंटे से चना दाल उतना अच्छा फूला नहीं, तो मैं सोच रही हूँ इसमें और चना दाल डाल के और रात भर छोड़ दूंगी और कल आलू और चना दाल की सब्जी बना लूंगी। तो चलिए मैं कद्दू की फ़ौरन वाली सब्जी बना लेती हूँ बिना मसाले की। जीरा का फ़ौरन डालूंगी और जीरा और बस जीरा का ही फ़ौरन डालूंगी और बना लेती हूँ नमक हल्दी के साथ। तो फाइनली सबने डिनर कर लिया है, माँ पापा ने कर लिया है बस, और किचन वगैरह क्लीन कर लिया मैंने, बर्तन वगैरह धो लिए हैं। अभी बज रहा है 9:15 और टाइम पे सबको डिनर करवा दिया मैंने, और अभी तक मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी है इतनी जल्दी, और मेरे हस्बैंड भी ने भी नहीं किया, उनको भी भूख नहीं लगी है, तो हम लोग साथ में कर लेंगे अभी, नहीं मतलब 10 बजे के बाद ही करेंगे। और टाइम पे खाना बन जाने से ये अच्छा रहता है कि टाइम पे सो जाऊंगी तो सुबह उठ के काम हो जाएगा। और सुबह के लिए अभी मैंने प्रिपरेशन कर लिया है, तो थोड़ा सा चना दाल मैंने फूलने के लिए डाल दिया है, सोच रही हूँ आलू टमाटर और चना दाल की सब्ज़ी बना लूँ। और आटा भी मैंने गूंथ के रख लिया है सुबह के लिए। तो आज ज़्यादा व्लॉगिंग मैं कर नहीं पाई, ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाई, लेकिन कल टाइमली मैं सारी व्लॉग्स बनाऊँगी, शूट करूँगी। और आप लोग क्या बना रहे हो कमेंट ज़रूर करना। एंड आजकल समझ में नहीं आ रहा ना, थोड़ा हेल्थ भी सही नहीं रह रहा है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग उतनी ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ जितनी पहले कर रही थी। जब जैसा रहता है तबीयत वैसा ही ब्लॉगिंग करती हूँ। जैसे कल मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली थी शूट करके, आज मैंने ज़्यादा वीडियोस डाली नहीं है, पर कल से मैं रेगुलर रहूँगी। और हाँ, और एक चीज़, मैं फेसबुक पर जो भी वीडियो डाल रही हूँ, आप तो वीडियोज़ देख रहे हो मेरे, तो मैं पूरी वीडियो नहीं डाल रही हूँ, सारी वीडियो छोटी छोटी वीडियोज़ को मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग पूरी मेरी वीडियो देखने के लिए ना, जो फेसबुक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे, फेसबुक में जहाँ मेरी वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी यूट्यूब चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके आप मेरी पूरी वीडियो देख सकते हैं।